अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से डिलीशियस सा सूजी बेसन का हलवा बनकर तैयार होता है। सूजी बेसन का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले पकाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप चीनी। तो पहला कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का, और 1 और कप चीनी का मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये दूसरा कप भी मैंने इसमें डाल दिया है चीनी का। तो 2 कप चीनी हम यहाँ पर डाल चुके हैं, और अब इसको इतना पकाएंगे कि चाशनी का 1.5 गिलास पानी जो है वो 1 गिलास रह जाए। लेकिन उससे पहले मैं सब्ज़ी इलायची इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद, ताकि ये अच्छी पककर तैयार हो जाए। और इतना हमने इसे पकने देना है कि ये 1.5 गिलास पानी 1 गिलास। इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हम चाशनी को पकाकर सुखाएंगे, ताकि हमारी चाशनी गाढ़ी तैयार हो पककर। तो इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे जब तक ये 1 गिलास पानी नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी शानदार सी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरह की हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही रेडी हो गई है। तो चूल्हा हम बिल्कुल बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। तो एडेबल फूड कलर जर्दे का रंग डाल रही हूँ मैं 1 पिंच, जो कि इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छी तरह। और अब इसे चूल्हे से हटाकर एक तरफ रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। जब ये कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। तो पहले ऑयल को धीमी आँच पर अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। तो 2 कप सूजी मैं इसमें शामिल करूंगी। बारीक सूजी ली है मैंने इसमें, और 2 कप सूजी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब सूजी के भुनाई होने तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तो हमें अच्छी तरह सूजी को भुनाई कर लेना है। इसी तरह लो फ्लेम पर चलाते हुए, टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन सूजी हमारी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। बिल्कुल चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लेना है सूजी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी भुनाई हो रही है, लेकिन अभी मुकम्मल भुनाई नहीं हुई है। हमें इसे इसी तरह लो फ्लेम पर चलाते हुए भुनाई करना है। सूजी की जितनी भुनाई हो उतना ही बेहतरीन लजीज हलवा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी की शानदार सी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल जैसी भुनाई हमें चाहिए थी वैसी ही भुनाई हो गई है यहाँ पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। तो 1 कप से थोड़ा कम बेसन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ ही अब इस सूजी के साथ बेसन की भी भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें शानदार सी इन दोनों की भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी और बेसन की भुनाई शानदार सी हो चुकी है। बिल्कुल जो ऑयल हमने डाला था वो अलग से इसमें नज़र आ रहा है, और शानदार सी भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें शीरा जो हमने पकाया था वो इसमें शामिल कर देंगे, जो चाशनी हमने तैयार की थी। और थोड़ी देर दूर रहेंगे, बहुत एहतियात से इसे चलाएँगे। इसे लो फ्लेम पर उस वक्त तक पकाना है जब तक सूजी का दाना अच्छी तरह फूल नहीं जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा पतला हो रहा है। बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाएगा, और सूजी का जो दाना इसमें मौजूद है वो अच्छी तरह फूल जाएगा। उस वक्त तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ये शानदार सा हमें जायका दे, और बिल्कुल इसका पानी जो है वो अच्छी तरह सूख जाए। हमें इतना इसे पका लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ देर बाद कि हमारे हलवे की शानदार सी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल जो इसमें पानी था वो बिल्कुल सूख गया है, और सूजी का दाना भी अच्छी तरह फूल गया है। तो अब हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बल्कि इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार सा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर। अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दूँगी, और थोड़ी सी देर मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने दूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसे सर्व कर सकें।
हलवे को ठंडे होने के बाद हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है, साथ ही इसे गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पर टूटी फूटी से गार्निश कर रही हूँ जो कि मेरे पास मौजूद हैं। आप चाहें तो पिस्ते, बादाम, काजू से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा खोपड़ा भी डालूँगी। उम्मीद है आपको सूजी और बेसन के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।